गाइस ये जो जगह है ना मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद था ये वाला जगह क्योंकि इधर रेक्स नहीं आते। ओके गाइस सामने रेक्स है। हेलो ही व्हाट इज द पीपल, सो गाइस क्या हाल चाल है, आज चुके फिर से वापस अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। नहीं गाइस आज हम लोग फिर से खेल रहे हैं आर्क सर्वाइवल मोड। सो गाइस आप लोग पिछले वाले एपिसोड में देखे थे कि हम लोग दूसरे आइलैंड, अरे ये क्या हो गया, हम लोग दूसरे आइलैंड पे गए थे जहाँ पे हमको मतलब क्रिस्टल वगैरह लेने गए थे। तो फाइनली वहाँ से मैं वापस आ चुका हूँ और इधर आते आते फिर से मेरे ऊपर बड़ा मछली ने हमला कर दिया था, तो उसको फिलहाल वैसे रखते। अभी ये जो आइलैंड है ना, तो बेसिकली मुझे बेस इधर ही बनाना था, मैंने ऐसा सोचा तो था। एंड इधर ब्रोंटो जी क्या कर रहे हो, ब्रोंटो जी पंगा मंगा तो नहीं लोगे ना हमसे, पता नहीं गाइस ये क्या करेगा मेरे साथ, बट स्टिल आई थिंक आई एम गुड। तो इधर सबसे पहले मुझे जगह ढूंढना है जहाँ पे मैं बेस बना सकता हूँ। एंड ओके इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, मैंने सोचा भाई हम लोग चढ़ पाएंगे बट नहीं चढ़ सकते। तो ये जो जगह है आई थिंक ये मेरे लिए अच्छा होएगा कि नहीं होगा मुझे लिटरल नहीं पता, तो एक बार चेक करते। नो 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 प्लीज़ ऊपर चढ़ चढ़ जा चढ़ जा अंकल जी, ओके चढ़ गया चढ़ गया। तो गाइस ये जो जगह है ना मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद था ये वाला जगह क्योंकि इधर रेक्स नहीं आते। ओके गाइस सामने रेक्स है एंड ये मेरे लिए बहुत ही बुरी बात है। गाइस आई एम ब्रोंटो मैक्स और ये रेक्स 270 का रेक्स है, स्टिल आई एम वेरी 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 वैड। ओके गाइस क्योंकि ये जो जगह बहुत ही अच्छा लगा था मुझे कॉज ये जगह बहुत ही फ्लैट था, बट इधर गाइस मुझे रेक्स दिख रहा है तो अभी मुझे नहीं पता गाइस मैं जाऊंगा किधर। अभी रेक्स तो है, थोड़ा सा उड़े छूटे काट लेते। अरे भाई अरे एक तो बताओ इतना ज़्यादा घास क्यों होता है, इतना घास अच्छा नहीं होते। ओके तो ये जो जगह है ना ओके हाँ ये जगह अच्छा है, बट इधर मैं स्टेयर लगा के कुछ ना कुछ तो कर ही दूंगा ठीक है। तो देखते थे बहुत से पेट्रा भी मुझे दिख रहा है फिलहाल के लिए और होपफुली ये जगह अच्छा है यार। ओके ये बहुत अच्छा है यार, ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। तो इधर ही हम लोग बेस बनाएंगे और ये फ्लैट एरिया पे हमारा मेन बेस बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करें, छोटा सा स्टार्क चार्ट तो बना लेते हैं क्योंकि अभी मेरे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है। तो प्लेटफॉर्म PLT ओके तो गाइस वुडन, ओह माय गॉड ये बहुत एक्सपेंसिव है गाइस, ये हाँ ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए हमको सीमेंटिंग पेस्ट चाहिए, सीमेंटिंग पेस्ट जो औकात के बाहर है। तो रहने दो भी, अभी फाउंडेशन बनाते हैं नॉर्मल वाले स्टोन फाउंडेशन, जो सबसे बेस्ट चीज़ें वही बनाते हैं अभी हम लोग, जो छोटा छोटा बनाते हैं, चार बनाते हैं छोटा बनाएंगे एकदम। और भी चाहिए ऑल हमको जल्दी, ओ यस थोड़ा सा और ऑल दे दो हमको, आई थिंक और थोड़ा सा ऑल चाहिए, अरे बन जा जल्दी भाई ऑल। ओके ये और एक, ओके चलो सो गाइस और एक ऑल चाहिए, बट इसके लिए हमको डोर भी चाहिए होगा। सो डोर ओके कौन सा डोर था, ये वाला डोर और इसका ये वाला फ्रेम। चलो गाइस डन हो चुका हमारा घर, ओके ये डन एंड डोर भी, अरे सॉरी डोर एक डोर डन नाइस। तो ये डोर के, अरे सॉरी ऊपर का ढांचा नहीं बना मैंने, ओह यस। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग घर तो, अरे ये इसको मैनुअल करना पड़ता है, बहुत ही पेचीदा यार, चलो मैनुअल हो जाओ थैंक यू। तो इसको मैं ऐसे बना के रखता हूँ अभी के लिए। एंड अभी इधर सीलिंग बनाना है मुझे, स्टोन सीलिंग, सीलिंग बना जाओ कुछ, हमको छः सीलिंग चाहिए, छः सीलिंग बनाऊँ और बाकी के जो है ना वो फेंक देता हूँ मैं अभी। चलो ये हो गया हमारा छः सीलिंग थैंक यू, एक दो तीन चार और डन टन टन तारा। सो गाइस ये हमारा छोटा नन्ना मुन्ना घर रेडी हो चुका है, यस तो पहले इसको हटाओ, यस तो गाइस डन हमारा छोटा सा घर। अरे छोटा सा घर के अंदर हमको ना बहुत सारे मटेरियल लगाना पड़ेगा, सबसे पहले गाइस हमको लगाना पड़ेगा फॉर्जेस जो सबसे नीडेड है, मेन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फॉर्ज। इधर एक फॉर्ज एंड इधर एक फॉर्ज, चलो तो फॉर्ज मैंने लगा दिया। अभी इनके अंदर ना पिघलाने के लिए डालते हमारे ये चीज़, ओके मेटल पिघलाने के लिए डाल देते हैं फटाफट करके, मेटल जाओ तुम पिघल जल्दी से। ओके स्मिथी टेबल जो मुझे लगाना है आई थिंक इधर इधर, ओके चलो भाई इधर लगा दो स्मिथी टेबल, ओ ये क्या हो गया, ओके स्मिथी टेबल डन। और एक था ना आपके स्टेशन टेबल, तो ये आपके स्टेशन टेबल भी डन आई थिंक, ये चलो ये मैंने लगा दिया आपको स्टेशन स्मिथी। एंड हमको और क्या चीज़ लगाना है, अभी हमको लगाना है मॉडल पेस्टर। सो मॉडल पेस्टर के लिए मैं सोचो क्राफ्टिंग टेबल यूज़ कर लेता हूँ, CRF सो टेबल था टेबल, ओके कौन सा टेबल होता है वो, आई थिंक लॉक नहीं है ना, इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा गाइस क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा फिर मुझे। चलो
इसके ओके इसके ऊपर लगा देते हैं। ये हमारे मॉर्टल पेस्टर जिसके अंदर अभी हमको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा ये और ये। अभी हम लोग बना पाएंगे नार्कोटिक्स। थैंक यू। और एक चीज़ मुझे और भी कुछ और भी थोड़ा सा मॉर्टल पेस्टर चाहिए। मुझे मैं थोड़ा सा अरे दो काफ़ी थे यार। चलो ये और एक बना लेता हूँ। थैंक यू। ओके और एक चाहिएगा मुझे बेसिकली। ओके और एक नहीं चाहिए मुझे तो इसको फेंक देता हूँ, मेरा कोई काम का नहीं हो। सो अभी इसके अंदर थोड़ा सा गन पाउडर वगैरह भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि हमको चाहिए कुछ फ्लिंट एंड क्या चाहिए होते हैं, फ्लिंट एंड स्टोन चाहिए होते हैं ना, तो सब ले लो फिलहाल के लिए। अभी तुम स्पार्क पाउडर बन जाओ क्योंकि वुड मूड फार्म करने जाना बहुत हार्ड है, तो इससे काम चल जाएंगे। एंड इधर हमारे पास ओके नारकोटिक 16 बनाना, तो मुझे थोड़ा सा फार्म करना पड़ेगा। चलो कोई ना, फार्म करके आते हैं। एंड सबसे पहले सामान रख देता हूँ मैं जो मुझे फिलहाल नीडेड नहीं है सब चीज़ें। भाई साहब फिश वगैरह मीट वैसे सब इधर जाओ, तुम लोग कोई काम के नहीं हो तुम हम लोग मेरे। ओके चलो सो ये हमने लगा दिए मतलब रख दिए। सो ओके हमारे पास है फिश प्राइम। सबसे पहले कैंप फायर बनाते हैं। सी ए एम ओके कैंप फायर लॉग है ना मेरा ऑलरेडी ना। सी एम ओके बन जाओ जल्दी कैंप फायर। इसके लिए हमको थैच चाहिए, फ्लिंट एंड स्टोन चाहिए, तो इसके अंदर पुल नहीं करेगा क्या? ओके इसके अंदर से पुल नहीं करने वाला क्योंकि हाँ यस क्योंकि इसके अंदर क्राफ्ट हो रहा है ना, तो पुल नहीं करेगा ये। तो ये मैंने डाल दिया। मेरे पास थैच है थोड़ा सा, तो थैच लेके आते हैं। थैच थैच में आ रहा हूँ। थैच ये ले थैच, आ जा आ जा। ओ भाई साहब बहुत जल्दी थैच मिल गया है मुझे। ए मेरे पास एरो नहीं है गाइस। और ये जो ग्रासेस है गाइस ये नहीं काटते, वो काटते। ओके इसका हिट पॉइंट अलग जगह पे था, इतना बड़ा ग्रास है बट एक ही जगह इसका हिट पॉइंट है। ये तो गलत बात है यार, बट कोई ना स्टिल वेयर गुड। तो चलो ये डाल दिया मैंने सब कुछ सामान। और क्या बनाना था मुझे, मुझे बनाना था हमारे लिए कैंप फायर। चलो कैंप फायर बनाते फटाफट करके कैंप फायर। चलो गाइस कैंप फायर डन। और इधर लगाता हूँ मैं कैंप फायर को इस साइड पे। अरे सॉरी उसको पिकअप करो सबसे पहले पिकअप। इसको भी पिकअप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा साइड में लगाना है मुझे इसको। इसको थोड़ा सा साइड लगाना है जस्ट लाइक ऐसे। चलो ये लगा जाए साइड में और कैंप फायर लगा दो इधर। चल अरे यार एक तो इसका दिमाग ख़राब हो रहा है मेरे चक्कर में। ओके अभी हमको खाना थोड़ा सा पिघलना है। मैं आई थिंक फ्राइम फिश मीट यूज़ करने वाला कुक करने के लिए क्योंकि यस ये थोड़ा सा अच्छा है। और इसको भी कुक करो। इसके लिए हम कुछ इसके लिए मैं स्पार्क पाउडर यूज़ करने वाला हूँ गाइस क्योंकि ये बहुत ही आसान है मतलब बनाना, तो ये आई थिंक थोड़ा सा अच्छा होगा। चलो अभी मैंने इसको कर दिया कुक करने के लिए, तो प्लीज़ क्राफ्ट हो जाना। ओके गाइस क्राफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है। प्राइम मीट वे कुक प्राइम मीट, ये प्राइम मीट कैसे कुक हो रहा है गाइस, ये क्या मजाक है? मेरे पास तो प्राइम मीट है ही नहीं। कुक प्राइम मीट, अरे प्राइम मीट कैसे कुक हो रहा है गाइस? एक मिनट इसका रेसिपी क्या है? अरे रॉ प्राइम मीट है ही नहीं मेरे पास। हेलो गेम ओके ये जो है ना प्राइम फिश मीट, ये भी रॉ प्राइम मीट में काउंट हो रहा है। अरे भैया फिश मीट में भी काउंट हो रहा है। अरे यार ये तो भाई लाजवाब है ब्रो। ओके गाइस सोचा ग्लिच आउट हो गया ये आई थिंक सो, बट ठीक है स्टिल वेरी गुड। चलो इधर भी मेटल पिघल रहे मेटल हमारे। ओके तो थोड़ा सा हेल्थ में पॉइंट दे देते हैं। अभी टाइम आ चुकी थोड़ा सा हम लोग पोशन वगैरह बना लेते हैं। पोशन एक्चुअली हमको थोड़ा सा वो चाहिए होगा नार्कोटिक, तो नार्कोटिक के लिए थोड़ा सा फार्म करना पड़ेगा मुझे। तो थोड़ा सा फार्मिंग शार्मिंग करते हैं। एरो दे दो सबसे पहले भाई। एरो किधर रखा मैंने? आई थिंक इसके अंदर एरो रखा ना मैंने, ये रहा एरो। थैंक यू। चलो अभी थोड़ा सा हम लोग हार्वेस्ट करते नार्कोटिक्स। अरे भाई इसका हिट पॉइंट किधर है? हेलो ओके इधर है भाई पेड़ इतना। अरे हेलो किधर गया? ओए भाई आज तुम कहाँ से हार्वेस्ट करूँ मैं? एक मुझे मिलते हो। ओके ये रहा इस साइड में होगा इसका हार्वेस्ट। अरे फिर से बंद हो गया भाई, इतने बड़ा जगह है और इतने छोटे छोटे हार्वेस्ट पॉइंट इसके। अरे ये बहुत गलत बना इन लोगों ने यार, जैसे भी बनाया ये मैप बहुत बेकार है गाइस। मतलब मैप नहीं सॉरी ग्रासेस। ओके इसका देखो हार्वेस्ट पॉइंट इधर है। ओके देखो इधर हार्वेस्ट होता है, पूरा पेड़ उड़ता है। वाह भैया वाह, ये सस्ते मतलब इन लोगों ने सस्ते बनाए पूरा। पी टी ओके पैटर सेटर बन जाओ। थैंक यू। ओ गाइस और एक चीज मतलब चीज़ हमको हम लोग क्रिस्टल बॉल्स नहीं बनाए, सोल बॉल। यस गाइस मैंने सोल बॉल नहीं बनाया गाइस। कोई ना 50 सोल बॉल बना ले, 50 तो नहीं चाहिए वैसे। कोई ना 20 बना लेता सोल बॉल। एंड इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमको चाहिए सीमेंटिंग पेस्ट। ओ भाई साहब ये बहुत महंगा है गाइस। चलो हम लोग सीमेंटिंग पेस्ट भी ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर सीमेंटिंग पेस्ट वगैरह मिलता है। थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करेंगे मैं थोड़ा सा आज, एक बार पैटर मिल जाए ना तो एक्सप्लोर करने में मज़ा आ जाएगा। और देखते क्या सीन है, अभी पेटर ढूंढते सबसे पहले। एंड स्पाई ग्लास और ऑन, और ये कौन से लेवल है? तो गाइज अरे अरे रुको 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 रुको, मैंने एक चीज़ तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरे पास बेड ही नहीं गाइज। अरे हमने बेड ही नहीं बनाया, अब बेड नहीं बनाऊंगा तो मर जाऊंगा तो क्या होगा मेरे को? वेड मैं फिर पूरा जगह पर स्पर हो जाऊंगा भाई। हमको चाहिए होगा 5 बेड दे दो प्लीज़ कृपया करके। थैंक यू। ओके गाइज की सारे बेड एक
फिर दो तीन चार पाँच, चलो गाइस एक ही जगह पे पाँच मिनट, लॉल सबसे अच्छा चीज़ क्या मैंने। चलो सबसे पहले पेट्रा पकड़ते हैं, आज के हम लोग पेट्रा में उड़ेंगे। बट जो पेट्रा ना बहुत सस्ता लेवल है, मैं थोड़ा सा अच्छा लेवल ढूंढने का कोशिश करता हूँ। अच्छा लेवल, होपफुली मुझे अच्छा लेवल एक पेट्रा मिल जाए। और भाई साहब इधर रेक्स को मार दे यार इन लोगों ने, रेक्स को ब्रो यार रेक्स को मार दे इन लोगों ने। ओके ओ रेक्स का पैर लेता, कुछ एरो ले लेता हूँ। ओके कुछ नहीं, थैंक यू रेक्स। ओके इधर और एक पेट्रा है। कितना लेवल का तुम भैया? 100 लेवल का, 100 लेवल का तो मुझे नीड नहीं है। इधर और एक पेट्रा है, 110 लेवल का पेट्रा है ये। ओके नॉट बैड, मतलब बहुत बैड है। और तुम मेरे हो जाओ, यस। एंड इसको मारो एक शॉट, बॉडी शॉट मारेंगे मैं इसको, क्योंकि नहीं तो इसको डैमेज गंदा पड़ेगा। और ये तुम आई थिंक हो जाएगा, प्लीज हो जाना हो जाना हो जाना। ओके नहीं हुआ, चलो गाइस डन। तो ये हम लोगों ने टेम तो, अरे रुको रुको, इधर रेक्स है ना, आई थिंक रेक्स से प्राइमेट मिलता होगा मेरे ख्याल से। प्लीज़ प्राइमेट रेक्स, ओ यस गाइस रेड से हमको मिला है प्राइमेट, जिससे हम लोग जल्दी टेम कर पाएंगे और पेट्रा को। बट ये बहुत लो लेवल है और मुझे लो लेवल पसंद नहीं बिल्कुल भी। प्लीज़ टेम हो जाओ प्लीज़, ओ यस थैंक यू। ओके एक सेकंड, इसका मुझे ना वो बंद करने दो, हमारे स्पाई ग्लास में स्पाई ग्लास आ जाओ, स्पाई ग्लास हमको बंद करना है। ओके चलो लेआउट मैंने बंद कर दिया है। और ये मेरा पेट्रा का सैडल गाइस फाइनली, अच्छा कलर का मुझे पेट्रा मिल चुका है एक। यस तो इधर और भी पेट्रा होते हैं, वो रहा गाइस और भी पेट्रा एक अच्छा ले, ओहो क्या लेवल बना, 269 लेवल, 270 का एक पेट्रा मिला मुझे। ओके ये कितने का है, 300 का होना प्लीज, 120 और 120 लेवल का पेट्रा। ये कितने का है, ये 110 लेवल का है। ओके सबसे पहले मुझे इसका म्यूटेशन निकालना है, और इसका म्यूटेशन मैं ऐसे एक ही तरीके से निकाल सकता हूँ। इसको टेम, अरे यार प्लीज़ प्लीज़ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, यस 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 कैसी है, बैठा ये बैठा है बैठा, अब इसको मारो जल्दी बोल, जल्दी बोला मारो, यस थैंक यू। और तुम हो जाओगे मेरा, 1 2 एंड 3, ओह यस प्लीज़ 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 टेम हो जाओ, ओह यस गाइस डन। तो ये मैंने मिस कर, अरे नो 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 नो, ओके रुको इसको एक आई थिंक 2-3 से टेम होना हो जाना चाहिए। ओके आई थिंक प्लीज़ हो जाओ टेम लौंडा, अरे प्लीज़ भाई ये गहरी नींदों में सो रहा है पेट्रा जी, तुम रुक जाओ पहले इसको हम तुम्हारे साथ म्यूटेशन करवाएंगे। तुम्हारा 0.37 है, और रुको रुको गाइस इनको म्यूटेशन करना पड़ेगा सबसे, भाई 400 लेवल का पेट्रा बना ये। ओके तो इसको मेरे को चाहिए सबसे पहले, तो चलो पेट्रा जी अभी जाते हैं हम लोग बहुत ही दुनिया में सफ़र करने जाएंगे। यस यस गाइस हमको सफ़र करने बहुत दूर जाना है, बट मैं अच्छा पेट्रा ढूंढ रहा था, एक हाई लेवल का पेट्रा मुझे। ओह इधर और एक अच्छा कलर है, ये कौन सा कलर है, ओ ब्रो ये कलर देखो भाई, तुम्हारा कलर कौन सा है प्लीज़ तुम्हारा कलर बताओ। ओके ये नॉर्मल कलर है। ओके गाइस ये वाला कलर बहुत खतरनाक है, गाइस ये वाला कलर बहुत खतरनाक है, मैं इनके ये दोनों का म्यूटेशन मेरे को चाहिए प्लीज़ 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 प्लीज़। बोला भाई क्या कलर है यार इनके, भाई क्या खतरनाक कलर है यार, ये देखो कलर देखो भाई, कति खतरनाक कलर है इसके। चलो इसको भी टीम कर लेते हैं, जैसे इस कलर अच्छा है तो मेरे लिए भाई परफेक्ट है यार, मेरे को कलर बहुत पसंद है। चलो आ जाओ लौंडा तुम भी आ जाओ आज, वेटिंग हो जाओ जल्दी। ये फीमेल है ना, इसका भी म्यूटेशन निकाल लेते हैं, आई होपफुली अच्छा मिले। ओके ये मेल है तो ये फीमेल है ना, ओके तो इसका म्यूटेशन आएगा सब पे, तो देखते हैं अच्छा म्यूटेशन कौन सा बच्चे निकालते हैं आज। गाइस हम लोग म्यूटेशन निकालेंगे, ओ ये म्यूटेशन निकालने के लिए गाइस एक चीज़ करना पड़ेगा हमको, वो है क्या पता है हमको करना पड़ेगा, एक टेबल आता है क्रेजी पोशन टेबल, वो बनाना पड़ेगा हमको क्रेजी पोशन टेबल, ये वाला तो सबसे खतरनाक चीज़ है क्रेजी। ओके ये रहा ना क्रेजी पोशन टेबल गाइस, ये हमको निगेटिव म्यूटेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग इससे बच्चे को जल्दी बड़ा कर सकते हैं, जो मुझे को सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि मैं म्यूटेशन का वो, तो हमको सबसे पहले चाहिए होगा ग्रोथ पोशन। सो GROW GR, अरे एंड इधर भी कितने, इधर भी 6 अंडे आ चुका है, नाइस नाइस नाइस। अब इनको हैच करना है, हैश टू करना है, बट मुझे पोशन भी बनाना है। सो ग्रो पोशन ग्रोथ होते हैं ना, GROW, अरे पता नहीं क्या होता है गाइस, जस्ट रैन दो जितने पोशन है ये रहा ना ग्रो पोशन, GROW वही तो लिख रहा था ना, GROW गाइस दिख ही नहीं रहा ग्रो पोशन, ये क्या मजाक है, GROW हाँ ओके भाई लिखने से नहीं दिख रहा, ठीक है सो ग्रो पोशन है एक। ओके तो ये दोनों मुझे बनाने हैं सबसे पहले, चलो फटाफट बना लेता हूँ मैं, समझ लिटरली नहीं आया ये प्राइम कुक कहाँ से हो रहा था, क्योंकि मेरे पास मैंने देखो अभी बंद हो गया, नहीं अभी तो है ही नहीं, अभी तो बंद ही होएगा ना लॉल। ओके गाइस जाने दो, जस्ट इग्नोर दैट, बट एक चीज़ बताओ ये आसमान ऐसा कैसे हो गया यार, भाई आसमान बहुत ही खतरनाक दिख रहा है मुझे,
आजू बाजू के मेरा डायनोस ओ माय गॉड, लिटरली मुझे नहीं पता कुछ। मैं बेहमुत गेट का ट्राई करता हूँ। बेहमुत गेट BEH बेहमुत ना BEH बेहमुत भाई साहब, ये रेस्टोन बेहमुत गेट। तो सबसे पहले हमको चाहिए रेस्टोन बेहमुत गेट, जिससे हम लोग हमारा जगह। ओए कैसे है चुक गया या भाई कितना पेट्स। भाई 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 रुको रुको, सबको सबको मौका मिलेंगे, सबको मौका मिलेंगे। बाहर आओ लॉन्डो तुम लोग स्टार्ट। ओके ये बेकार है, बट इसका इम्यूनिटी बहुत अच्छा आया था, सॉरी बट मेरे को मानना पड़ेगा। और इसका ये भी बेकार स्टार्ट से, सॉरी। और ये इसका भी बेकार स्टार्ट से गाइस, इनका बेकार स्टार्ट से आ रहे हैं प्लीज़। इसका स्टार्ट कितना है, इसका स्टार्ट अच्छा है क्या? ओके रुको रुको गाइस, ये लोग बड़ा हो रहा है बहुत तेज़ी से, तो मुझे इसको क्लेम करना पड़ेगा सबको एक एक करके और बाहर लेके आना पड़ेगा। अरे आ जा। ओके आ जाओ लॉन्डो, बाहर आ जाओ, फॉलो क्यों हो रहा मेरे को, फॉलो आ जाओ बाहर आ जाओ जल्दी। ऐसे यही ना फंस चुके लोग पूरा। और ये नेम टैग बंद कैसे होते हैं, नेम मुझे चेक ना कर। नेम टैग इधर कुछ तो होता होगा नेम टैग का, देखना पड़ेगा मुझे कुछ नेम टैग का, क्योंकि ये बहुत ही दिक्कत हो रहा है। NPC वॉल्यूम्स ओके नाइस। तो इसका स्टार्ट स्टार्ट इसका बेकार है यार। ओके इसका भी स्टार्ट बेकार है यार, इनका अच्छा स्टार्ट मिल ही नहीं रहा गाइस, ये का मजाक है। ये अच्छा है बट इसका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं है। ये वाले कलर के बहुत बेकार आया, बट ये अच्छा आया। ओके ये ऐसे मुझे म्यूटेशन नहीं चाहिए था, बट मुझे ये पूरा फुल कलर वाला अच्छा लगा। ये फुल कलर चाहिए मुझे, येलो में पसंद नहीं यार इसका। हाँ सो गाइस, हमको एक भी अच्छा म्यूटेशन नहीं मिला इसके म्यूटेशन वाला, तो एक काम करता हूँ मुझे फिर से करना पड़ेगा म्यूटेशन इनके। बट कोई ना, मैं कर लूँगा म्यूटेशन इनके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए यो गाइस, तो फाइनली यस गाइस, हम लोग फाइनली आ चुके हैं वापस। एंड यस फाइनली बहुत टाइम के बाद मुझे अपना म्यूटेशन मिल चुका है। देखो मेरी 61 एंड इसका जो HP है वो 50, यानी इसका जो था इसका मैंने इसको भी मैंने चेंज कर दिया था। ये भी म्यूटेशन वाला है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा म्यूटेशन वाला है, मतलब एक पेरेंट का है। और ओके इसको भी मैंने चेंज किया था, यस ये देखो ये थोड़ा सा म्यूटेशन है, रैंडम म्यूटेशन है ये, तो मैंने इसको भी चेंज किया था। तो दोनों को चेंज करने के बाद फाइनली मुझे बेस्ट ऑन मिल चुका है, सबसे बेस्ट गाइस, और ये बहुत ही खतरनाक है। यस तो मुझे ये वाला सबसे बेस्ट मुझे लगा। अभी इसके साथ हमको थोड़ा सा हलचल करना है, यानी इसको बड़ा करना है सबसे पहले। एंड ये जो एक तो है ना, इसको हमको इसको एक बटन होता है, ओके ये वाला बटन ना, ठीक है। तो गाइस ये देखो, ये हमारा सबसे बेस्ट पैटर्न बन चुका है अभी। और ये जो दो पैटर्न है ना, फिलहाल के लिए मैं इनको सोल बॉल करना चाहता हूँ, नहीं इनको पहले मैं फिलहाल बाहर रखता हूँ, मेरा कोई काम का है तो नहीं ये लोग अभी। एंड ये जो पैटर्न है इसको मैं फिलहाल इसका सैडल दे दो, थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम अभी कोई काम का नहीं हो। एंड अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पोशन, अरे ग्रोथ पोशन था ना मेरे पास, ग्रोथ पोशन है क्या? ग्रोथ पोशन के लिए आई थिंक मुझे क्या चाहिए होगा, ग्रोथ पोशन ZRO। ओके तो ग्रोथ पोशन के लिए हमको चाहिए कुछ अमराबेरी चाहिए, जो मैं आई थिंक इजीली फार्म कर सकता हूँ मेरे ख्याल से, प्लीज़। ओके ओके इधर से ओके गाइस, फार्म कर लिया मैंने थोड़ा सा, अभी फटाफट एक ग्रोथ पोशन बनाते और उसके बाद देखते क्या सीन है। और इम्प्रिंट पोशन भी बना सकते तो आई थिंक अच्छा होता, बट इम्प्रिंट पोशन आई थिंक नहीं बना सकते। ग्रो पोशन बन जाएगा आई थिंक, यस ग्रो पोशन बन गया। इम्प्रिंट बनेगा क्या, इम्प्रिंट पोशन ट्राई करते हैं। IMP इम्प्रिंट वाला पोशन, इसके लिए हमको चेक ओ भाई ऑब्सीडियन तो फिलहाल अवेलेबल ही नहीं है, तो फाइनली इसको भी ट्राई करने का टाइम आ चुका है। ग्रो पोशन एंड डन, यस गाइस फाइनली हमारा पैटर्न बड़ा हो चुका है। एंड इसका जो कलर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और सीरियसली बता रहा हूँ ये जो पैटर्न है ना, ये कलर से मुझे ये कलर पसंद है, क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है दोनों कलर ही, तो थैंक यू। ओ गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने एक पैरासोल का सैडल रखा है फॉर वो क्या बोलते उसको हमको, यस गाइस हमको एक पैरासोल चाहिए था, जो मैं अभी फार्म करने जाऊँगा पैरासोल, मतलब टेम करने जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो गया था हमको, बेरी का बहुत दिक्कत हो रहा था। तो अभी पैरासोरी सबसे बेस्ट मेरे लिए चीज़ है। ओके भाई इसका वेट बढ़ा थोड़ा सा। ओहो ब्रो हमारा नया एकदम बेस्ट पैटर्न डॉन मुझे मिल चुका है, एंड इसके लिए मुझे पैरासोर, ओके ये रहा पैरासोर, ओके 170 है ना, चल जाएगा कोई भी पैरासोर फिलहाल के लिए अभी, क्योंकि जैसे मुझे बेरी फार्म करने के लिए चाहिए, तो इतना तो इनाफ है यार। रुको सबसे पहले बोल हटाओ, हेलो बे, ओके इसको ये लो बोला, यस थैंक यू, अभी तुम हो जाओगे मेरे, और ये लो थैंक। ओहो हो भाई क्या मज़ा आएगा। ओके ओ नॉक हो गया नाइस। ओके ये कितना क्या बेरी खाएगा मैं दिखाऊँ, ये बेरी कितना कौन सा खाएगा, ये मज़ो बेरी खाएगा 4, तो 4 मज़ो बेरी, यानी हमको 4 मज़ो बेरी फार्म करना पड़ेगा। अरे कोई ना यार कर लेंगे फार्म,
ओके मजोवेरी के अलावा सब वेरी मिल गया मुझे, यही होना था इस जिंदगी में। मजोवेरी ओह नो भाई ऐसा मत करो यार, मजोवेरी कहीं पे भी नहीं है। एंड भूल के भी मैं इसका अंडे को नहीं छू सकता, नहीं तो मेरे को छू देगा। तुम कितने लेवल को भैया? तुम अब 30 लेवल का, तुम फिर कोई काम के नहीं हो भाई। अंडे अंडे इसको अंडे पे हाथ भी नहीं लगाना इसको। ओके चलो 20 हमको मजोवेरी मिल चुका है और ये हमारा पैरासोर हो चुका है। टेम का इसका फूड बहुत ख़त्म होगा जल्दी, यानी इंस्टेंटली टेम होने वाला है। ओके और 4 बाइट मारो जल्दी से जल्दी। एंड ये टेम नाइस। तुम ले लो अपना सैडल ले लो। एंड ये जो पैटर के अंदर कुछ है क्या? भाई इस पैटर के अंदर कुछ नहीं है, तो एक काम करता हूँ पैटर को फिलहाल मैं सोल बॉल कर लेता हूँ, इनकेस कुछ दिक्कत हो गया तो। आ जाओ सोल बॉल, थोड़ा सा हार्वेस्ट कर लेते यार, बेरी हमको बहुत सारे बेरी चाहिए। ओ ब्रो हार्वेस्ट का बादशाह, भाई इतना भी बादशाह नहीं है बट अभी मेरे पास होने से तो मतलब ना होने से कुछ तो होना चाहिए। और ये हार्वेस्ट कर सकते क्या? ओ यस, थोड़ा सा बेर भी मिल जाएगा जिससे हम लोग ओहो अभी आएगा ना मज़ा ब्रो। ये क्या हो रहा है, हार्वेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? सॉरी ये तो स्कैन करते हैं, भूल गया था कैसे स्कैन भी कर सकता है, बहुत ही मज़ेदार वाले चीज़ें स्कैन भी कर सकते हैं ये। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप ब्रीडिंग को छोड़ के भाग जाते हो ना तब अपने आप वो हो जाता है, तो ठीक है मतलब बच्चे दिखा देते हैं किधर किधर बच्चे, एक टाइप का बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसका अरे इधर हार्वेस्ट किधर है वैसे? ओके ये रहा इसका हार्वेस्ट। भाई ये ना इतने बड़े बड़े ग्रास रखे इन लोगों ने, बट इनका हार्वेस्ट कुछ तो गलत किया है इन लोगों ने, कुछ समझ आता है नहीं मुझे। ओह कौन हो, प्लीज़ हार्वेस्ट हो जाओ, अरे हो जाओ हार्वेस्ट। ओके चलो गाइस बहुत से हार्वेस्ट कर लिया हम लोगों ने। यस गाइस फाइनली पैरासोर को इधर रखते हैं। पैरासोर भैया तुम बहुत ही बड़ा काम आया मेरा, बेरी दे दो थोड़ा सा, नार्कोवेरी ऑब्वियसली नार्कोवेरी चाहिए मुझे, क्योंकि गाइस हमको बनाना इसके खतरनाक वाले नार्कोटिक्स। ओके सब कुछ रख देता हूं बस इसके अंदर, ये कोई काम का है नहीं मेरा। ओके तो ये बन जाओ नार्कोटिक्स, कितना बना? 150 नार्कोटिक बन गया गाइस। ओहो यानी मज़ा आएगा मुझे। चलो यही करते हैं, हमारा पैरासोर भी रेडी हो चुका है और मेरा सबसे बेस्ट ब्रीडिंग किया हुआ हमारे ओहो भाई सबसे बेस्ट पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। सबसे बेस्ट पैटर्न है इस गेम का, मतलब मेरा हिसाब से सबसे बेस्ट पैटर्न है। और ये कलर देखो इसका कितना सुंदर दिख रहा है, ये भी अच्छा है बट इतना अच्छा मुझे लगा नहीं इसका कलर वगैरह। हाँ ये भी वैसे अच्छा है गाइस, मैं ऐसे इसको कैसे बुरा कर सकते, ये भी अच्छा है। दूर से वैसे अच्छा दिख रहा है वैसे ये चीज़ देखो, ये होता ना कि ये भी अच्छा है बट मुझे सबसे प्यारा है ब्लू कलर, तो ऑब्वियसली मैं ब्लू कलर ही प्रेफर करूँगा हमेशा मेरे खुद के लिए, बाकी आई डोंट केयर। ठीक है आज गाइस इतना रखते हैं गाइस, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ग्रैंड शाइनिंग कर लिया, तो चलिए गाइस आज के लिए वीडियो में इतना ही। आए हुए जो वीडियो तुमको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मत भूलो कि सुबह चलिए बाय टाटा सू, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मत भूलो कि बाय बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।